जानिए कैसे मुगल करते थे हिंदुओं की महिलाओं पर अत्याचार। खून खोल जाएगा पूरा सच जानकर। जी हाँ, हम उन मुगल की बात कर रहे हैं जिन्होंने हमारे देश पर कई सालों तक राज किया था और उन्होंने हमारी हिंदुओं की महिलाओं पर कैसे अत्याचार किए हैं। जी हम बात कर रहे हैं शाहजहां जैसे बादशाह की जिन्होंने ऐसे गंदे काम किए हैं। और क्यों शाहजहां ने ये अफवाह उड़ाई कि ताजमहल प्रेम की निशानी है। सब कुछ जानेंगे आखिर ताजमहल को क्यों बनवाया गया था और क्या इसके पीछे का काला सच, चलिए जानते हैं। लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लिए ताकि मैं नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। उम्मीद करते हैं आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। चलिए शुरू करते हैं। आतंकी संगठन ISI के बारे में जब हम पढ़ते हैं कि वहाँ अल्पसंख्यक यजीदी महिलाओं को योनी गुलाम बना रखा है तो हमें आश्चर्य होता है। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों व मुगल बादशाहों ने भी बहुसंख्यक हिंदू महिलाओं को बड़े पैमाने पर योनी दास बना रखा था। जो कि आप समझते हैं हम क्या कहना चाह रहे हैं। इसमें मुगल बादशाह शाहजहां का सबसे अधिक बदनाम रहा। इसके कारण दिल्ली का रेड लाइट एरिया जिसे हम GB रोड के नाम से भी जानते हैं, इस रेड लाइट एरिया को भी बादशाह शाहजहां ने बसाया था। इतिहासकार वीर सिमित ने लिखा है, शाहजहां के हरम में 80,000 रखेले थी जो उसे उसके पिता जहांगीर से विरासत में मिली थी। उसने बाप की संपत्ति को और बढ़ाया। उसने हरम की महिलाओं की व्यापक छाटक की। उन महिलाओं में से बुढ़ियाओं को भगाकर और अन्य हिंदू परिवारों से बलात् लाकर हराम को बढ़ाता ही रहा। कहते हैं कि उन्हें भगाई गई महिलाओं से दिल्ली का रेड लाइट एरिया जिसे GB रोड कहते हैं वो इन्हीं महिलाओं से गुलजार हुआ था और वहाँ इस धंधे की शुरुआत हुई थी। जबरन अगवा की हुई हिंदू महिलाओं की योनी गुलामी और योनी व्यापार को शाहजहां अनुरोध देता था और अक्सर अपने मंत्रियों और संबंधियों को पुरस्कार स्वरूप अनेकों हिंदू महिलाओं को उपहार में दिया करता था। यहाँ नर पुरुष यौनाचार के प्रतीक इतना आकर्षित और उत्साहित था कि हिंदू महिलाओं का मीना बाजार लगाया करता था। यहाँ तक कि अपने महल में भी सुप्रसिद्ध यूरोपीय यात्री फ्रोकोइस बनिया ने इस विषय पर टिप्पणियां की थी कि महल में बार बार लगाने वाले मीना बाजार जहां अगवा करके लाई हुई सैकड़ों हिंदू महिलाओं का क्रिया विक्रय हुआ करता था। राजा द्वारा बड़ी संख्या में नाचने वाली लड़कियों की व्यवस्था और नपुंसक बनाए गए सैकड़ों लड़कों की हरामों में उपस्थिति शाहजहां की अनंत वासना के संबंध के लिए ही थी। शाहजहां को प्रेम की मिसाल के रूप में पेश किया जाता रहा है और क्यों न किया जाए। 8,000 औरतों को अपने हराम में रखने वाला अगर किसी एक में ज्यादा रुचि दिखाए तो वो उसका प्यार ही कहा जाएगा। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि मुमताज का नाम मुमताज महल था ही नहीं बल्कि उसका असली नाम अर्जुमंद बानो बेगम था। और तो अर्जी शाहजहां मुमताज के प्यार की इतनी डींगे हाकी जाती है, वो शाहजहां की ना तो पहली पत्नी थी और ना ही आखिरी। मुमताज शाहजहां की 7 बीवियों में 4थी बीवी थी। इसका मतलब है कि शाहजहां ने मुमताज से पहले 3 शादियां कर रखी थी और मुमताज से शादी करने के बाद भी उसका मन नहीं भरा। उसके बाद भी उसने 3 शादियां और की। यहां तक कि मुमताज के मरने के एक हफ्ते के अंदर ही उसकी बहन फरजाना से शादी कर ली थी, जिससे शादी करने से पहले ही शाहजहां को एक बेटा भी था। अगर शाहजहां को मुमताज से इतना ही प्यार था तो मुमताज से शादी करने के बाद भी शाहजहां ने 3 और शादियां क्यों की। शाहजहां 7 बीवियों में से सबसे सुंदर मुमताज नहीं बल्कि इशरत बानो थी जो कि उसकी पहली पत्नी थी। शाहजहां से शादी करते समय मुमताज कोई कुंवारी लड़की नहीं थी बल्कि वो भी शादीशुदा थी और उसका पति शाहजहां की सेना में सूबेदार था जिसका नाम शेर अफगान खान था। शाहजहां ने शेर अफगान खान की हत्या करके मुमताज से शादी की थी। गौर करने लायक बात यह भी है कि 38 साल की मुमताज की मौत कोई बीमारी या एक्सीडेंट से नहीं बल्कि 14वें बच्चे को जन्म देने के दौरान अत्यधिक कमजोरी के कारण हुई थी। यानी शाहजहां ने उसे बच्चे पैदा करने वाली मशीन ही नहीं बल्कि फैक्ट्री बनाकर मार डाला था। शाहजहां कामुकता के लिए इतना कुख्यात था कि कई इतिहासकारों ने उसे उसकी अपनी सगी बेटी जहरा के साथ संभोग करने का दोषी तक कहा गया है। शाहजहां और मुमताज महल की बड़ी बेटी जहरा बिल्कुल अपनी माँ की तरह लगती थी, इसलिए मुमताज की मृत्यु के बाद उसकी याद में शाहजहां ने अपनी ही बेटी जहरा को भोंकना शुरू कर दिया था। जहरा को शाहजहां इतना प्यार करता था कि उसने उसका निकाह तक नहीं होने दिया। बाप बेटी के इस प्यार को देखकर जब महल में चर्चा शुरू हुई तो मौलाना मौलवी की एक बैठक बुलाई और उन्होंने इस पाप को जायज ठहराने के लिए एक हदीस का उदाहरण दिया और कहा कि माली को अपने द्वारा लगाए पेड़ का फल खाने का हक है। इतना ही नहीं, जहरा के किसी भी आशिक को वो उसके पास भटकने नहीं देता था। कहा जाता है कि एक बार जहरा जब अपने एक आशिक के साथ इश्क लड़ा रही थी तो वहाँ शाहजहां आ गया, जिससे डरकर वो हरम के तंदूर में छिप गई। शाहजहां ने तंदूर में ही आग लगवा दी और उसे जिंदा ही जला दिया। दरअसल अकबर ने यह नियम बना दिया था कि मुगलिया खानदान की बेटियों की शादी नहीं होगी। इतिहासकार इसके लिए कई कारण बताते हैं।
इसका परिणाम यह होता था कि मुगलिया खानदान की लड़कियां अपने जिस्मानी भूख मिटाने के लिए अवैध तरीके से दरबारी नौकर के साथ साथ रिश्तेदार यहां तक कि सगे संबंधी का सहारा भी लेती थी। कहा जाता है कि जारा अपने बाप के लिए लड़कियां भी फंसा कर लाती थी। जारा की मदद से शाहजहां ने मुमताज के भाई शाइस्ता खान की बीवी से कई बार बलात्कार किया था। शाहजहां के राज ज्योतिष की 13 साल की ब्राह्मण लड़की को जारा ने अपने महल में बुलाकर धोखे से नशा देकर बाप के हवाले कर दिया था, जिससे शाहजहां ने अपनी उम्र के 58 वर्ष में उस 13 साल की ब्राह्मण कन्या से निकाह कर लिया था। बाद में इसी ब्राह्मण कन्या ने शाहजहां के कैद होने के बाद औरंगजेब से बचने और एक बार फिर से हवस की सामग्री बनने से खुद को बचाने के लिए अपने ही हाथों से अपने चेहरे पर तेजाब डाल दिया था। शाहजहां शेखी मारा करता था कि वह तिमूर का वंशज है, जो भारत में तलवार और अग्नि लाया था। उज़्बेकिस्तान के जंगली जानवर तिमूर से और उसकी हिंदुओं से रक्तपात की उपलब्धि से वो इतना प्रभावित था कि उसने अपना नाम तिमूर द्वितीय रख लिया था। बहुत प्रारंभिक अवस्था से ही शाहजहां ने काफिरों हिंदुओं के प्रति युद्ध के लिए साहस और रुचि दिखाई थी। अलग अलग इतिहासकारों ने लिखा था कि शहजादे के रूप में ही शाहजहां ने फतेहपुर सीकरी पर अधिकार कर लिया था और आगरा शहर में हिंदुओं का भीषण नरसंहार किया था। भारत यात्रा पर शाहजहां की सेना ने भयानक बर्बरता का परिचय दिया। हिंदू नागरिकों को घोर यातनाओं द्वारा अपने संचित धनों को देने के लिए विवश किया गया और अनेकों उच्च कुल की कुलीन हिंदू महिलाओं का शील भाग किया गया। हमारे वामपंथी इतिहासकारों ने शाहजहां को एक महान निर्माता के रूप में चित्रित किया है, लेकिन इस मुजाहिद ने अनेकों काल के प्रति सुंदर हिंदू मंदिरों और अनेकों हिंदू भवन निर्माणों काल के केंद्रों की बड़ी लगाना और जोश से विध्वस्त किया था। अब्दुल अहमद ने बादशाह नामा में लिखा था, महाइम शहनशाह महोदय की सूचना में लाया गया कि हिंदुओं के एक प्रमुख केंद्र बनारस में उसके अब्बा हुजूर के शासन काल में अनेकों मंदिरों के निर्माण का काम प्रारंभ हुआ था और काफिर हिंदू अब उन्हें पूर्ण कर देने के निकट आ पहुँचे हैं। इस्लाम पंथ के रक्षक शाहजहां ने आदेश दिया कि बनारस में और उनके सारे राज्य में कई सभी स्थानों पर जिन मंदिरों का निर्माण कार्य आरंभ है उन सभी को ध्वस्त किया जाए। इलाहाबाद प्रदेश से सूचना प्राप्त हो गई कि जिला बनारस के 76 मंदिरों को ध्वस्त कर दिया गया था। हिंदू मंदिरों को अपवित्र करने और उन्हें ध्वस्त करने की प्रथा ने शाहजहां के काल में एक व्यवस्थित विकराल रूप धारण कर लिया था। कश्मीर से लौटते समय 1632 में शाहजहां को बताया गया कि अनेकों मुस्लिम बनाई गई महिलाएं फिर से हिंदू हो गई हैं और उन्होंने हिंदू परिवारों से शादी कर ली है। शाहजहां के आदेश पर इन सभी हिंदुओं को बंदी बना लिया गया। उन सभी पर इतना अधिक दंड थोपा गया कि उनमें से कोई भी भुगतान नहीं कर सका। तब इस्लाम स्वीकार कर लेने और मृत्यु में से एक को चुन लेने का विकल्प दिया गया। जिन्होंने धर्मांतरण स्वीकार नहीं किया उन सभी पुरुषों का सर काट दिया गया। लगभग 4,500 महिलाओं को बलत मुसलमान बना दिया गया और उन्हें सिपह सलारों और शहनशाह के नजदीकी लोगों और रिश्तेदारों के हराम में भेज दिया गया। 1657 में शाहजहां बीमार पड़ा और उसी के बेटे औरंगजेब ने उसे उसकी बेटी जारा के साथ आगरा के किले में बंद कर दिया। लेकिन औरंगजेब ने अपने बाप की अय्याशी का पूरा इंतजाम रखा। अपने बाप की कामुक को समझते हुए उसे अपने साथ 40 रखेले शाही वेश्याएं रखने की इजाजत दे दी और दिल्ली आकर उसने बाप के हजारों रखेलों में से कुछ गिनी चुनी औरतों को अपने हराम में डालकर बाकी सभी को किले से बाहर निकाल दिया। उन हजारों महिलाओं को भी दिल्ली के उसी हिस्से में पनाह मिली जिसे आज दिल्ली का रेड लाइट एरिया यानी जीबी रोड कहा जाता है, जो उसके बाप शाहजहां की मेहरबानी से बसा और गुलजर हुआ था। शाहजहां की मृत्यु आगरा के किले में ही 22 जनवरी 1667 में 74 साल में हुई। द चैनल हिस्ट्री के अनुसार अत्यधिक कामोत्तेजक दवाई खा लेने के कारण उसकी मौत हुई थी, यानी जिंदगी के आखिरी वक्त तक वो अय्याशी ही करता रहा। अब आप खुद ही सोचें कि क्यों ऐसा बदचलन और दुष्चरित इंसान को प्यार की निशानी समझकर महान बताया जाता है। क्या ऐसा बदचलन इंसान कभी किसी से प्यार कर सकता है? क्या ऐसे वहीशी और क्रूर व्यक्ति की अय्याशी की कस्में खाकर लोग अपने प्यार को बेइज्जत करते हैं? दरअसल ताजमहल और प्यार की कहानी इसलिए गाड़ी गई है कि लोगों को गुमराह किया जा सके और खासकर हिंदू लोगों से छिपाया जा सके कि ताजमहल कोई प्यार की निशानी नहीं बल्कि महाराज जयसिंह द्वारा बनाया गया भगवान शिव का मंदिर तेजे महल है। इतिहासकार P.N. ओक ने पुरातात्विक साक्ष्यों के जरिए बकायदा इससे साबित किया है और इस पर पुस्तकें भी लिखी है। असलियत में मुगल इस देश में धर्मांतरण लूट खसोट और अय्याशी ही करते रहे, लेकिन नेहरू के आदेश पर हमारे इतिहासकारों ने इन्हें जबरदस्ती मान बनाया गया और ये सब झूठ धर्म निरपेक्षता के नाम पर हुआ। खैर दोस्तों, ये वीडियो उन लोगों तक शेयर कर दीजिएगा जिन लोगों को ये पता नहीं है कि हिंदू लड़कियों के साथ कितना अत्याचार हुआ है और ताजमहल के बारे में क्या अफवाह उड़ाई गई है। और आप इन मुगलों के बारे में अगर कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखना शुरू कर दीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक भी कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमें बहुत सपोर्ट करता है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि मैं नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।